पीस की हम आपको दिखा रहे हैं और आम और खास यहां देखने को मिले। देखिए दिया कुमारी भी कुछ बोल रही है, उनको सुनते हैं। ऑडियो दीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल मतदान किया है, मैं सभी को कहना चाहूंगी आप सब मतदान कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में मतलब 5 साल में एक बार ये मौका आता है, अपने मत का प्रयोग करें, ये आपका अधिकार है, सबको जाकर वोट करना चाहिए। प्लीज वोट, इस बार सबको मैंने बोल दिया, सबको वोट करना है, आपका मत है। मैं भूमि से बैठने से कह गया हर व्यक्ति को जाकर वोट करना चाहिए। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा कुछ नहीं बोली दिया कुमारी, दो बात कही, एक तो ये कि मतदान जरूर करें और दूसरी बात ये कि सरकार रिपीट होने का दावा कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल सही नहीं है और बीजेपी की सरकार आने वाली। तो सबके दावे अपने अपने तरीके से, लेकिन अच्छी बात ये आम हुआ था, सभी आ रहे हैं सुबह सुबह मतदान तादाद यहां में है। राजधानी जयपुर के शार्दुल जी की नाल स्थित मतदान केंद्र में इस वक्त मतदान जो है वो चल रहा है और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। और जब बड़े लोग ये कह सकते हैं कि जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मतदान करते हैं तो उनसे एक मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि किस तरीके से मतदान जो है वो किया जाए और मतदान को लेकर के वो प्रेरित भी करते हैं लोगों को। तस्वीर दिखाएंगे सहयोगी अविनाश के, दिया कुमारी अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विद्याधर नगर की ओर रवाना हो रही है जहां पर वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगी, लोगों से मिलेंगी, अपने इलाके के लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी और जानेंगी वहां पर कि विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मतदान है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है और मतदान को लेकर के लोग जो हैं वो उनका रेस्पॉन्स किस तरीके से। लवली बदवा यहां पर दिया कुमारी अपने चुनाव क्षेत्र में अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी हैं, अब जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, वहां जो जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं अब वहां का हाल जानने के लिए पहुंचे। तो लवली वाधवा वहां से लाइव जानकारी देते हुए और कुछ तस्वीरें और लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं। लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ पहले सांसद का चुनाव लड़ाया गया, फिर सीट को बदला गया, सवाई माधोपुर से राजसमंद भेजा गया और राजसमंद के रास्ते उन्हें जयपुर में विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए जो है वो मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर लबुलवा यही है कि दिया कुमारी जो है वो मतदान करने पहुंची है, उन्होंने मतदान किया है, पूरे प्रदेश के लोगों से उन्होंने मतदान की अपील की है कि लोग अपने सारे कामकाज को छोड़ करके जो है वो मतदान की ओर प्रेरित हों और जितना ज़्यादा हो सके उतना मतदान वो करें ताकि एक सकारात्मक मैसेज जा सके और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। जी तो चप्पे